4 लाख लोग जिस वीडियो को देख चुके हो उसमें आप अब आए हो। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आज आपको अव्यय या अविकारी ऐसा सिखा देंगे कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले कि अव्यय या अविकारी है क्या, इसको समझने के लिए एक वाक्य ले लेता हूं। मैं यहां पढ़ता हूं। देखो, लिंग के दो रूप होते हैं, दो भेद होते हैं मुख्य रूप से, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ये जो आप वाक्य देख रहे हैं ये पुल्लिंग है, इस वाक्य को हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। एक बार बदल के देखो, मैं यहां पढ़ती हूं। अब लिंग बदलने से बाकी सब कुछ तो वैसा ही रहा, बस एक शब्द बदल गया। वो शब्द को मैं सर्कल कर लेता हूं, गोला लगा देता हूं। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस देखते रहना, मैं आपको अव्यय ही समझा रहा हूं। अब वचन, वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन और बहुवचन। इस वाक्य को देखें तो ये एकवचन है, इसको हमें अब बहुवचन में बदलना है। क्या बनेगा वाक्य, बनेगा हम यहां पढ़ते हैं। अब वचन बदलने से ये तीन शब्द बदल गए जिसको मैंने सर्कल कर लिया। अब एक आखिरी काल और देखो, काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। अब ये वाक्य देखें तो ये वर्तमान काल है, इसे अब हमें भूतकाल में बदलना है। वाक्य बनेगा मैं यहां पढ़ता था, हूं की जगह था हो गया, है ना। अब भविष्यकाल में बदलो, मैं यहां पढ़ूंगा, मतलब ये बदल गया। अब ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि मैंने लिंग, वचन, काल ये तीनों बदल बदल कर देख लिए, सारे शब्द बदल गए सिर्फ एक शब्द को छोड़ के, वो शब्द था यहां। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल की दृष्टि से नहीं बदलते वो अव्यय होते हैं या अविकारी होते हैं। ठीक है, आसान शब्दों में समझाऊं तो अव्यय वो है जिन पर लिंग, वचन, काल का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे थे वैसे ही रहते हैं। अब इसे अव्यय कहो या अविकारी, बात एक ही है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, तो अविकारी का मतलब बना जिसका बदलाव ना हो। इसी तरह से व्यय का अर्थ होता है खर्च, तो अव्यय यानी अव्यय का अर्थ हुआ जो खर्च ना हो, जो बदले नहीं। ऐसे ही शब्द अव्यय या अविकारी होते हैं, और ऐसे सैकड़ों शब्द होते हैं। सैकड़ों शब्दों को 5 हिस्सों में बांट दिया है, 5 कैटेगरी में बांट दिया है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, निपात अव्यय, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक अव्यय। बच्चों, अगर सचमुच ध्यान से सुन रहे हो तो ये बताओ कि तुम कल पढ़ रहे थे, इस वाक्य में कौन सा शब्द ऐसा है जो लिंग, वचन और काल की दृष्टि से नहीं बदलेगा। बिना चीटिंग के कमेंट करना। चलिए, क्रिया विशेषण को हम बाद में लेंगे, पहले विस्मयादि बोधक अव्यय देखो। विस्मयादि बोधक अव्यय में ऐसे शब्द आते हैं जिनसे खुशी, हैरानी, घृणा, डर या दुख प्रकट होते हैं, इस तरह के शब्द। शब्द किस तरह के होते हैं, जैसे वाह, ओह, अरे, हाय, छी, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। वाक्य में देखो इसको, वाह कितना सुंदर फूल है, छी कितनी गंदगी है, काश मेरे दादा मेरे साथ होते, ए कहां देख रहे हो, इस तरह के शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसकी एक पहचान ये भी है कि शब्द के बाद आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह देखने को मिल जाएगा। निपात, निपात अव्यय को समझने के लिए यहां 2 वाक्य लिखे हैं, ये दोनों के दोनों वाक्य एक जैसे हैं, बस एक छोटा सा फर्क है, वही फर्क निपात अव्यय है, यानी ही। किसी वाक्य में विशेष प्रकार का बल भरने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही निपात कहते हैं। जैसे ही, भी, मात्र, केवल, तक, सिर्फ, कुछ इस तरह के शब्द होते हैं। वाक्य में देखो, सुकेश भी हंस रहा है, मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। ऐसे शब्द जो विशेष प्रकार का बल भर रहे हैं वाक्य में, इस तरह के शब्द निपात अव्यय कहलाते हैं। अब एक वाक्य देखो, हाय आ रहा हूं तो स्कूल गया। अब इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें 2 अव्यय आपको मिलेंगे, एक विस्मयादि मिलेगा और एक है निपात अव्यय। अब ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द निपात अव्यय है और कौन सा विस्मयादि। अगर सही सही जवाब देते हो ना, कमेंट करते हो सही जवाब, तो मैं समझ लूंगा कि आपको ये 2 अव्यय काफी हद तक समझ आ गए हैं। चलिए, अब समुच्चय बोधक। सिंपल सा है, 2 वाक्यों या 2 शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे सिमरन पढ़ रही है और जुनेजा खेल रही है। अब इसमें 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, और। इसी तरह से 2 शब्दों को जोड़ने वाला भी समुच्चय बोधक होगा। जैसे मिताली और रोहित खेल रहे हैं, यहां और जो शब्द है वो 2 शब्दों को जोड़ रहा है। इसी तरह से विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसमें क्योंकि जो शब्द है ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। वरुण ने कहा कि वह कल आ जाएगा,
अब इसमें की है। इसी तरह से सिद्धार्थ बीमार है लेकिन स्कूल गया है, इसमें लेकिन। ज्योति तथा श्वेता अच्छी कलाकार हैं, इसमें तथा। ये सब के सब शब्द वाक्यों या शब्दों को जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये सब समुच्चय बोधक कहलाएंगे। समुच्चय बोधक को दो हिस्सों में बांटा है, यानी समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण तो नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि जिसमें वाक्यों या शब्दों को समान रूप से जोड़ा जा रहा हो, यानी इक्वली। जैसे पूजा और प्रियंका भोजन कर रही हैं, या फिर जतिन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। अब ध्यान से देखो, इस एक वाक्य में दो वाक्य हैं और दोनों को इक्वली बांट रहा है तथा, इसीलिए तथा शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। समानाधिकरण में और, तथा, एवं, या, इस तरह के शब्द आते हैं, और व्यधिकरण में इसका उल्टा है, जो समान रूप से वाक्यों या शब्दों को ना बांटे, ऐसे शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यद्यपि, क्योंकि, की, ताकि। राम नहीं गया क्योंकि वह कल जाकर आया है। सोनिया ने बताया कि उसका जन्मदिन जून महीने में है, उसने बता दिया ताकि निशा को बुरा ना लगे। इन वाक्यों को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि हर एक वाक्य में दो दो वाक्य हैं, इनमें से एक वाक्य आपको अधूरा मिलेगा, और समानाधिकरण में दोनों वाक्य आपको पूरे पूरे मिलेंगे। तो ये पहचान भी आप दोनों की याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये शब्दों की पहचान तो है ही। बच्चों कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब ये नहीं है कि किसी का किसी के साथ संबंध बताया जाएगा यहां पर, नहीं। एक उदाहरण से समझो, जैसे वह मेरा भाई है। अब इस वाक्य में संबंध तो बताया हुआ है लेकिन इस पूरे वाक्य में कोई भी अव्यय नहीं है, ठीक है। संबंध बोधक में कुछ खास तरह के शब्द आते हैं, जैसे आप समझ ही जाओगे किस तरह के, जैसे के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, की ओर, से पहले, इस तरह के, ठीक है। उदाहरण देखो, जैसे सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, से आगे बढ़ी, ठीक है। वह दीवार के ऊपर बैठा है, वहां पूर्व की ओर तालाब है, जंगल के पीछे नदी बहती है, के पीछे, संदीप से पहले राहुल पहुंचा था। इन सब में ये सभी शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। बच्चों अब आपकी बारी, ये दो वाक्यों में कौन सा अव्यय भेद है, अब ये आपको बताना है। देखना चाहता हूं अब तक आपने कितना सिखा है, कमेंट करो। अब क्रिया विशेषण देखो। आपने विशेषण के बारे में पढ़ा होगा कि किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। ठीक ऐसे ही क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अक्षय धीरे धीरे चलता है, इसमें चलता है क्रिया है, और क्रिया की विशेषता है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, इसीलिए धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय कह सकते हो आप इसे। वह घोड़ा तेज दौड़ता है, यहां दौड़ने की विशेषता तेज है, इसीलिए तेज जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये चारों आपको बहुत 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 आसानी से समझ आ जाएंगे अगर आप इनके अर्थ जान लो। तो काल का अर्थ होता है समय, स्थान का अर्थ आप जानते ही हैं क्या, जगह या प्लेस, परिमाण का अर्थ होता है मापतोल या क्वांटिटी, रीति का अर्थ होता है प्रकार या ढंग। अब इन चार वाक्यों को देखो, इन चारों वाक्यों में ये तो है क्रियाएं और ये सब क्रिया की विशेषता है। अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये सब के सब क्रिया विशेषण अव्यय हैं। अब बस इनके अर्थ के अनुसार इनके भेदों को रखते जाओ। जैसे पहला वाक्य है तुम ऊपर जाओ, इसमें ऊपर जो शब्द है वो ना तो समय है, ना ही मापतोल है, और ना ही प्रकार या ढंग है। ऑब्वियसली यहां स्थान के बारे में इंडिकेशन है, इसीलिए यहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आ जाएगा। ऐसे ही वह दूध थोड़ा लाया, में थोड़ा जो शब्द है ना तो समय है, ना ही स्थान है, ना ही कोई ढंग है, यहां मापतोल के बारे में इंडिकेट है ना, कितना थोड़ा। मैं अभी आया हूं, यहां अभी जो शब्द है वो समय को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह अचानक आ गया, किस प्रकार आ गया, किस ढंग से आ गया, अचानक, इसीलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब इन चार वाक्यों को आप वीडियो को रोक कर सोचो, फिर मैच करना कि कितने सही निकले। चलिए आंसर बताता हूं, इसका आंसर ये होगा, इसका आएगा ये, इसका ये, और लास्ट वाले का आएगा ये। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे सरोज 4 बजे आएगी,
सुनील दिल्ली गया है। अब इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो तो इसमें भी आपको समय और स्थान के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये बात, ये जो शब्द है चार बजे और दिल्ली, ये समय और स्थान होते हुए भी ये अव्यय नहीं है। इस तरह के शब्द अव्यय नहीं होते, ये तो बदल जाते हैं लिंग वचन काल की दृष्टि से, लेकिन अव्यय तो बदलते ही नहीं। मतलब एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस आपको नहीं मिलेंगे, आपको तो इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे जिससे जगह भी पता चल जाएगी, समय भी पता चल जाएगा, मापतोल पता चल जाएगा, लेकिन इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। बच्चों बात समझ में आई तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। अब इन दो वाक्यों के आंसर आपको कमेंट करने हैं। देखना चाहता हूं क्रिया विशेषण में आपने कितना समझा है। बच्चों आपने अव्यय के कॉन्सेप्ट को तो बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन प्रैक्टिस के बिना आप अच्छा नहीं कर पाओगे। चिंता मत करो, प्रैक्टिस के लिए आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर हिंदी व्याकरण। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी, और साथ ही साथ इसी लिंक पर आपको अदर टॉपिक्स भी ट्रिक्स के साथ इजी मेथड से समझने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से संबंधित एक छोटा सा टेस्ट। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो तो आ देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है। अव्यय भेद आपको बताना है। बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वह घायल है, वाक्य कैसा है? ऑप्शन ए समुच्चयबोधक, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी निपात, ऑप्शन डी परिमाण वाचक। आपके 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। जीरो, सही उत्तर है ऑप्शन ए समुच्चयबोधक। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? उधर जो शब्द है वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। 5, 4, 3, 2, 1। जीरो, सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थानवाचक। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है ये बताना है। ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी प्रविशेषण, ऑप्शन डी संबंध बोधक। आसान सा प्रश्न है, 5, 4, 3, 2, 1। जीरो, सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रविशेषण। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अव्यय शब्द दो शब्दों या वाक्यों को मिलाते हैं वे कहलाते हैं। आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए क्रिया विशेषण अव्यय, ऑप्शन बी संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन डी विस्म्यादी बोधक अव्यय। 5, 4, 3, 2, 1। जीरो, सही उत्तर है ऑप्शन सी समुच्चयबोधक अव्यय। चलिए बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि हिंदी व्याकरण से रिलेटेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जरूर देख लेना। और अगर आपको उनसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।